आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। आज डीएसओ ने कॉलेज परिसर में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। इस श्रद्धांजलि सभा में उन्नाव एवं कठुआ की बच्चियों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा भी की गई और मांग की गई कि जो इन घटनाओं के दोषी हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो उसके बलात्कारित है, जो दोषी है, उनको उदाहरणमूलक सजा अविलंब सजा दी जानी चाहिए। इसी को लेकर पूरे देश भर में एक आंदोलन चल रहा है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम कॉलेज में किया जा रहा है, ये महज भूल चढ़ाने के लिए, चित्रक कर भूल चढ़ाने के लिए कार्यक्रम नहीं है। आपको पता चला होगा अभी हाल ही में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के जो कठुआ टाउन में और उन्नाव में जो हुआ, एक 8 साल की बच्ची के साथ लगातार, यहाँ तक कि उसका मंदिर में रेप किया। हमारी आज़ादी के 70 साल बाद आप लोग जानते हैं कि आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। कई सारी घटनाएं आप लोग देखते हैं, पिछली साल उन्होंने गलत किया जो अपने आप को बोलते हैं कि हम राम भक्त हैं, हम देशभक्त हैं सबसे बड़े, उन लोगों ने गलत किया। आप सोचिए जिस बच्ची के साथ गलत हुआ यूपी में, उस बच्ची के पिता को FIR कराने के लिए हो। अच्छा, संगठन ऑल इंडिया DSO के द्वारा अभी विगत 2-3 दिन पहले जो कठुआ में और उन्नाव में जो छोटी बच्चियों के साथ में जो रेप केस की घटना हुई है, उस घटना को लेकर आज कॉलेज परिसर में पुष्पार्पण कार्यक्रम किया गया और पूरे देश भर में ही ऑल इंडिया DSO के द्वारा लगातार इसकी कड़ी निंदा की जा रही है और जिस तरीके के जो दोषी हैं उन लोगों को एक तो सजा दी जाए, साथ ही साथ में उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इस मांग को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। ऑल इंडिया DSO ने 2 दिन पहले भी जयस्तंभ चौराहे पर इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और आज कॉलेज प्रांगण में भी ये कार्यक्रम किया है। आज जिस तरीके का माहौल है पूरे देश भर में, आज अकेला आसिपा के साथ नहीं, कई सारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आज सवाल ये है कि आज जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, लोकतंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज उस लोकतंत्र में जहाँ पर महिलाओं को पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है, आज ऐसे देश में आज उन बच्चियों के साथ मंदिर के अंदर गलत हो रहा है। तो आज सोचने वाली बात है कि आज इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं, इसकी ऑल इंडिया DSO कड़ी निंदा भी करता है और इसको लेके जब तक उन दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, इसको लेके क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। अतिथि शिक्षक पहुंचे शिक्षा विभाग देने ज्ञापन। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि लोक शिक्षण संस्थान द्वारा आदेश जारी किया गया था कि जो अतिथि शिक्षक जिस विद्यालय में पढ़ा रहा है उन्हें वहां पर दोबारा रख लिया जाए, लेकिन कुछ विद्यालयों में उन्हें नहीं रखा गया। जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो स्कूल अधीक्षकों का कहना था कि हमें आदेश नहीं आए हैं इसलिए हम नहीं रख सकते। जब इस बात का ज्ञापन देने के लिए आज सभी शिक्षक शिक्षा विभाग पहुंचे तो शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि आदेश पहले ही निकाल दिया गया है, लेकिन समस्या परे है कि आदेश निकालने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं रखा गया। महोदय जिला गुना, जैसे लोक शिक्षण जारी कर हमारा जारी आदेश के पालन करवाने हेतु आवेदन कर पालन करवाने हेतु नहीं, मेरे प्यारे भैया जारी कर दिए और तो अपने अपने स्कूलों में जाओ। तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम सुनो, तुम्हारे स्कूलों में ऑलरेडी एक एक 200 टीचर पहले से ही, अब तुम्हारे यहाँ बच्चे कितने, बच्चे के हिसाब से रख, एक स्कूल कोई भी बताओ आप जहाँ कर पढ़ाते थे, आप बताओ कितने बच्चे थे वहाँ, आज कितने मिलेंगे। सारे भैया बिहार जा रहे हैं मेरी गाड़ी में बैठ के, मैं बिहार कह दूंगा इनको रखो, ये सारे बंदे जा रहे हैं मेरी जीप में बैठ के, अभी बच्चे कितने मिलेंगे ईमानदारी से बताना, झूठ मत। 30 बार कितने मास्टर हैं ऑलरेडी, दो पदस्थ है, अब तुम्हारी नियुक्ति कैसे हो जाएगी तुम ही बताओ, मेरी बात समझ रहे हो ना। संख्या तो मैंने आदेश तो जारी कर दी है यार, मेरा लैकुना बता रहा हूँ, क्या है लैकुना मेरी बात समझो जी भाई, मेरी जेब से तनख्वाह नहीं पढ़ाओगे तो तनख्वाह मेरी, जब पढ़ाओगे नहीं तो तनख्वाह घुमाएगा, मेरी बात समझ में आ गई ना। आदेश जारी हो चुके हैं लोक शिक्षण संस्थान द्वारा, आदेश जारी किया गया था जो अतिथि पहले पूर्व में जिन विद्यालयों में कार्य कर रहे थे उन्हीं अतिथियों को पुनः जो सरकार का न्यू शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हुआ है उसमें रखे जाने को लेकर लोक शिक्षण संस्थान का आदेश था। उसी अनुसार कई कई विद्यालयों में प्राचार्य द्वारा ये कहा गया कि ऊपर से आदेश नहीं है हमारे लिए डी ऑफिस से, तो हम लोग नहीं रख रहे हैं, लेकिन यहाँ से जैसे हम लोग आए तो पता पड़ा, डी ओ साहब ने बताया कि आदेश पहले ही जारी कर दिए चुके किए जा चुके हैं, तो उस अनुसार अब
डी एस आपका कहना है कि जिन विद्यालयों में विद्यार्थी आएंगे तो वहाँ पर अतिथियों को रख लिया जाएगा। शासकीय पेंशन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ आज पहुंचे कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि सातवें वेतन मांग एवं एरियर का भुगतान किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को सातवें वेतन मांग की घोषणा करते समय आदेश भी जारी कर दिए थे। यहां तक कि कर्मचारियों को एरियर के भुगतान की तारीख की भी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन उन्हें आज तक वेतन मान व एरियर का भुगतान नहीं मिला। साथ ही उन्होंने बताया कि छठवें वेतन मान लागू करते समय भी मध्य प्रदेश शासन ने पेंशनरों को 32 माह का एरियर का भुगतान नहीं किया। पेंशनरों को कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। कई दफ़े हम ज्ञापन दे चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की घोषणा नहीं हो पाई। पता नहीं पेंशनरों के लिए क्यों इतना देर लगा रहे हैं, क्या झिझक है। पेपरों में भी कभी नहीं आ रहा, कोई बात ही समय में नहीं आती, क्या देना चाहते हैं नहीं देना चाहते बताएं तो सही। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पेंशनरों के विषय में ऐसा लग रहा है कि वो कुछ विचार कर रहे हैं, क्योंकि हर तबके को वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और पेंशनर तो वरिष्ठ नागरिक होता है, देश का सम्मानीय नागरिक है, उसको पहले सोचने चाहिए था उनको। और उनका एक परिवार भी होता है, अगर वरिष्ठों का सम्मान नहीं होगा तो परिवार भी नाराज़ हो जाता है। इस मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी निर्णय करके और उनको लाभ देना चाहिए, ये मेरी उनसे निवेदन। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत जिला स्तरीय किसान सम्मेलन एवं उत्पादकता प्रोत्साहन राशि प्रमाण पत्र वितरित करने का समारोह आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के 6,616 किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रोत्साहन की राशि 15,66,00,000 बताई जा रही है। इस योजना का आयोजन मध्य प्रदेश के 51 जिलों में एक साथ शुरू किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। इस आयोजन में किसानों को लाने के लिए 20 से ज्यादा बसों को लगाया गया, फिर भी इस आयोजन में आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रही। किसानों को योजनाओं के बारे में जिला कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गई, साथ ही इस योजना का शुभारंभ विधायक द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना इस साल के लिए तो प्रारंभ की कि गेहूं समर्थन मूल्य का जो भी व्यक्ति बेचेगा या मंडी में भी बेचेगा उसको 1735 रुपए के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर गेहूं खरीदा जाएगा। और उसके अलावा 262 रुपए की राशि कृषक समृद्धि योजना के तहत उसको जून में वितरित की जाएगी। ना केवल ये बल्कि गत वर्ष जिन लोगों ने बेचा था अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर, उन लोगों को भी 200 रुपए प्रति क्विंटल, जिन लोगों ने गेहूं और धान अपना बेचा था उन लोगों को भी 200 रुपए प्रति क्विंटल के बाद से राशि उनके अकाउंट्स में आज की तारीख में चली जाएगी। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि गुना जिले के लगभग 6,616 किसानों को आज 15,62,00,000 रुपए की राशि उनके खातों में पहुंच रही है। गत वर्ष हमने 78,122 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया था और जिन कृषकों ने समर्थन मूल्य पे अपना गेहूं बेचा था उन सबके खातों में 200 रुपए प्रति क्विंटल के मान से राशि जाएगी। किसानों की संख्या के मान से अगर हम देखें तो लगभग 25,000 रुपए प्रति किसान एवरेज बता रहा हूँ, जिसने ज्यादा बेचा उसको 50,000 भी हो सकते हैं, कम बेचा उसको 5,000 भी हो सकते हैं, लेकिन एज एन एवरेज 25,000 रुपए का एवरेज एक किसान के खाते में पहुंचने वाला है। तो आज हमने बिल डाल दिए है और आज और अधिकतम कल आज डाल दिए तो आज ही पहुंच जाएंगे, नहीं तो कल सुबह तक आप सबके खातों में वो राशि पहुंच जाएगी। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की, समर्थन मूल्य पर चना सरसों और मसूर उसका उपार्जन प्रारंभ हो गया है। ऐसे में कृषक भाइयों को आना प्रारंभ हो गए हैं और जो जिन जिन के भी ऐसे में आ रहे हैं उनकी उपज विभिन्न मंडियों में, जो 6 हमारी मंडियां उनमें 14 स्थानों पर उपज सप्लाई की व्यवस्था है। भाइयों की बंधुओं, आज के इस किसान सम्मेलन में
जिसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान वापस नहीं बुलाते उसको, कि अब चला गया, अब जाने दो, अब जो अगला आएगा उसको हम देखेंगे। उसने कि हमारे विधायक जो श्री मुरलीधर पाटीदार जी, हमारे बाकी विधायक मंजा सिंह, हमारे सभी विधायक साथीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, अब हम हुआ करती थी तब किसान की क्या हालत थी रे, ढंग से खरीदी भी नहीं होती थी, किसान परेशान होता रहता था। लेकिन आज तो किसान समृद्धि योजना बना के ये राशि भी डाल रहे हैं। अभी हमारे भाई दीपक जोशी जी कह रहे थे, मेरे मालवा के और पूरे मध्य प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, आज सुन लो, मध्य प्रदेश की धरती से, शाजापुर की धरती से शिवराज आपसे कह रहा है, ये कांग्रेस की सरकार भी क्या किया किसानों के लिए, पूरे मध्य प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टर जमीन में मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी, और ये सिंचाई इसकी व्यवस्था केवल कांग्रेस ने नहीं की, राजा नवाब अंग्रेज सबने मिला के सिंचाई की 7.5 लाख हेक्टर जमीन में, और अकेले शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की क्षमता सृजित करके बताई है। उस जमाने में पानी के लिए तरस जाते थे। भैया है ना थोड़ा सा भैया, दिवंगत जिला सत्र न्यायाधीश संजीव दत्ता के लिए आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। यह श्रद्धांजलि सभा जिला सत्र न्यायालय में आयोजित की गई, जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी न्यायाधीश वकील व स्टाफ ने श्रद्धांजलि दी। यदि भगवान दुनिया में कहीं है, यदि भगवान है तो डीजे साहब जैसे इंसान भगवान के रूप में गुलाम में उन्होंने भेजा था। क्या सामयिक निधन से हमारा अभिभाषक संघ दुखी है, ना जीवन में कभी ऐसा ही जिला सत्र न्यायाधीश महोदय कभी आए, ना मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्तियों से मिलने का मौका। डीजे आनंद न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।